छोटा हूँ तो कोई से जो बकाई कर रहे थे अब वो कहाँ है? वो खत्म हो गए, पापा थे इनके। तो अब वो कौन कर रहे, किसने उठाई बकाई? इन्होंने कर दिया। आपको सारे नियम वगैरह भोग प्रसाद सब पता है? वो आपको देकर गए? पता है कुछ का नहीं। आपको देकर गए? वो घर की सोच पता है बस। क्या पता है? घर के जादू है उसके बारे में पता है, कौन है क्या है उसके बारे में पता है। देव का पता है लेकिन उनके भोग प्रसाद किसके क्या लगाते हैं यही पता है, थोड़ा थोड़ा पता नहीं, थोड़ा नहीं पता है। आपको, नहीं आपको प्रदान करके गए? नहीं मतलब हाथ रख के नहीं गए, नहीं गए बस सामने करते थे, हमारे यहाँ पता है। तो आप सपने में बोला था या आपके खुद के मन में आया कि मैं ये करूँ? हमारे घर में शुरू से रहता है लगता है, कोई नहीं एक आदमी करते करता है शुरू करते ही करते 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 पर आप नहीं संभाल पा रहे। गुरु ही नहीं मिला, एक्सीडेंट हो गया था, बर्तन उतने बचे हैं और पहले भी कई बार मौतें उठ गई है। तो ये पितर है घर में? दो पितर हैं तुम्हारे? मेरे 13 हैं लेकिन दो जो दुकानता वो दो है, एक दुका हुआ है और एक अभी हमारा भाई खत्म हुआ है छोटा, काफी टाइम हो गया। भाई वगैरह के क्या लगा रहे हम? कुछ नहीं दे रहे अभी, चीज पर चलती है शक्तियाँ? नहीं आती है तो पता ही लगता, फील नहीं, फील नहीं होता कि वही है या ना वही कुछ और है, फील नहीं होता। आपको फील नहीं होता फिर जयकारा लगते किसी के? कौन से देव पूछते थे? गद्दी का भूत किशन बावरी। क्या? केसर मल बावरी। केसर मल बावरी गद्दी का भूत मतानी कुल की देवी है। कुल की देवी है तब तो काली भी है तो चलानी चाहिए आराम से, फिर क्यों नहीं चल रहा? मुझे पता नहीं ना, खेलती नहीं ना मेरे को। खालसा लोग में मलट वाली दो मत कर चुकी है अब से नहीं पहले, मतलब फोन मुझे भी आया जब आपके पापा थे तभी तो तभी पापा खत्म हुए, तबीयत नहीं खराब हुई थी उस टाइम जब पापा थे तब किसी की मौत हुई थी? वही बता रहा हूँ मैं आपको, तबीयत मेरी खराब हुई थी, पापा ने उसको उठा के 6 महीने के रोक दिया था। 6 महीने के बाद वो थोड़े ज्यादा मतलब किस चीज में ध्यान नहीं करते थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे बहुत ज्यादा, बहुत कहने के बाद जब 6 महीने बाद उन्होंने वो पाठ करी काली की, हमारे घर में काली की पाठ होती है, जब वो करी तो उन्होंने ना जोत बत्ती करी ना कुछ करा, वो उस तरीके से नाली पी काट दी, काटने के बाद पापा जी तो हो गए कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे, और 6 महीने बाद पापा खत्म हो गए घूमने उल्टे अभी भी। उसके बाद ठीक पापा खत्म लेके 1 महीना बाद ही पापा छोटे भाई की तरफ हो गई थी, फिर वो भी सेम मेरा दीपक बाप का नाम राम भरोसे गाँव दोस्ता जिला गालीबाग। तेरे को ज़्यादा परेशानी का वही बाप की जान गया जब तुमने पूजा उठाई है? हाँ सेवा करता जाता हूँ मैं लेकिन मेरे को उसके बाद कोई परेशानी चालू होगी? जब बिठाया था तो तूने आगे ली थी? गुरु कौन है तेरा? कोई नहीं है, गुरु नहीं है, नहीं है। पापा के कौन थे? वो तो मर गए, वो पहले थे वो खत्म हो गया, हमें पता भी गुरु उनके उनके भी गुरु उनके तो थे, उनके थे ना, वही पूछ रही हूँ। तो तूने बिना गुरु के इतने बड़े भगत की अब मैं मर जाऊँ तो मेरी सेवा कैसे उठा लेगा तू? तेरे को पहला झपटा तो मैं ही मारूंगी फिर, और जाने के बाद कोई सारा कोई कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दिया आज तक, सपने में नहीं दिखता, ज्यादा गांव में दिखाई देगा यहाँ इतना भी नहीं है। क्या पापा हमारे? अरे क्यों दिखेंगे वो, तेरे बाप थोड़ी है इस टाइम पे, अच्छे खासे भगत हैं, वो दूत है इस टाइम पे, देखना तो चाहिए कभी कभी। और ये क्रिया पहले से चली हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल पहले की चली हुई है ये क्रिया, जिसका रोग बाप ने काटने की कोशिश करी है। 13 साल पहले छोटेपन में किसकी मौत हुई है? भाई की हुई है। कितने साल का था? 8 साल का होगा। हाँ? कितने साल हो गए उसको गए? 25-30 का मान लो, मतलब 25-30 साल हो गए इन बातों को, हो गए ना। हाँ 98 के आसपास, 98 में डेथ हुई है। उसको पूज रखा था तेरे पाप ने? नहीं पापा जो बात खत्म हुआ वो पहले पापा खत्म हुए थे, उसके बाद छोटे वाले दिवस खत्म हुए,
इनके सबके 9-9 महीने का टाइम था खत्म होने के। अच्छा, 9-9 महीने के अंदर सबकी मौत हो गई। हाँ, सबकी खत्म होने की। तो ये लोग ना, फिर वो लोग पापा खत्म हो गए, मेरे देवर खत्म हो गए। उनके बाद बेटा एक पितर और है, और छोटा आ रहा है, कोई कोई सास का, चाची सास का, ताई सास का कोई है? नहीं माता, हमारे दादी सास का बता देता हूँ मैं आपको। 13 पितर है कुल मिला के। हाँ। सिर्फ एक हमारे ताऊ जी है जो पूजे हुए हैं, जो पिताजी नहीं पूजे ना। हाँ, जो खेलते थे सिर्फ वही थे। उसके बाद जो पूज रहा है, जो पापा ने पूजे हुए थे। हाँ, एक ही है, बड़ा भाई ओम प्रकाश ताऊ हमारे, बस वही पूजते थे। पितर बिठाओ सारे घर के अंदर। नाम बोल बेटा। दीपक। जो बच्चा था इसका कोई भोग प्रसाद लगा रखा है? नहीं बाबू, तेरे घर में भक्त आई हुई है कभी? कभी भी चलती आ रही थी, शुरू से ही है। बाहर वालों को भी बुलाया कभी? बाहर वालों को बुलाया, एक दो आदमी बुलाए हैं, आए हैं ना। हाँ, उसे बांधने की कोशिश करी है, वो चल रहा है सारी जगह। उसको बिठा, वो ऐसे नहीं बैठेगा। जो सबसे बड़े पुरख है, जो तेरे बाप ने बिठा रखे थे, तेरा कहीं हाथ ही नहीं है तो तू कैसे हाथ डाल लेगा इतनी बड़ी चीजों में? जो पुरख बिठा रखे थे, ठीक है, उनके पास से ही सबके कपड़े उठेंगे। तेरा के तेरा होके उनके पास से कपड़े उठेंगे, वो ही बिठा पाएंगे। ठीक है, अपने बाप से आगे लेके तुझे ये सेवा उठानी चाहिए थी, आगे ली थी। फिर समझ आ रही क्या बोल रही हूँ? बेटा मैं गद्दी में बैठी हूँ ना, मैं चला रही हूँ ना, मेरे जाने के बाद कोई भी आके ऐसे पूजा कैसे कर लेगा? दिखी तो नहीं रही, बैठे तो यही हूँ। आगे लिए मुझसे किसी ने बैठने के लिए कि मैं संभाल लेता हूँ सेवा, ये नहीं ली ना तूने? तो फिर पड़े जब हमने बस एक बार एक गुरु साहब पर करवाया था, कभी तभी लिया था, पर क्यों करवाया था? नहीं तो तेरे घर में ही चले हुए, तूने क्यों करवाया था? तो खिलाएगा कौन? तो देख को बाजी करोगे। उसने फिर आगे ली थी तेरे बाप? मां मेरी बात सुनो, उसने आगे ली थी किसने? अब वो तो वो जाने, अब आप मैं कह रहा हूँ चलो आप मुझे खिला दो। बेटा वो बाप से आया था, तू घर का है। सुनो, आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैं तो अब आपके दरवाजे पे आ गया,